हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेडियंस क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड। तो आज हम लोग देखेंगे कि हीलियम दिखता कैसा है, ठीक है जी। और हीलियम के एटॉमिक नंबर कितने होते हैं, हीलियम का लैटिन नेम क्या होता है, ये सब पूरी जानकारी यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं हम कि हीलियम दिखता कैसा है। तो चूँकि हीलियम एक गैस है, नोवेल गैसेस है, तो इसको आप देखेंगे तो ये स्मोक जैसा दिखाई दे रहा होगा, ये इधर स्मोक जैसा। तो ये हीलियम ऐसे कुछ दिखाई देता है। अब बात करते हैं कि ये कितने नंबर पे होता है। तो इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, ठीक है। इसका सिंबल क्या होता है, तो HE होता है ना। और इसको पूरा फुल नेम क्या है, तो इसका फुल नेम हीलियम है, ठीक है। अगर इसका लैटिन नेम की बात करें तो लैटिन नेम भी हीलियम है और इंग्लिश नेम भी हीलियम है। कब इसकी खोज हुई थी, तो 1895 में। कौन सी गैसेस है, तो ये गैसेस है नोवेल गैसेस, जिसको कहते हैं नोवेल गैसेस, बैरियर, उत्कृष्ट गैस, निष्क्रिय गैस, अक्रिय गैस, ये सभी नामों से जाना जाता है। कितने नंबर ग्रुप में होता है, तो पूरे पीरियोडिक टेबल के 18 नंबर, या फिर इसको जीरो ग्रुप कहा जाता है, उसमें होता है ये 18 नंबर ग्रुप में, या फिर जीरो नंबर ग्रुप में, ग्रुप मतलब समूह में, ठीक है। अच्छा, आगे बात करते हैं कि और इसमें क्या क्या है। तो देखेंगे आप कि जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाए, तो ऐसे देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते टाइम पे मैंने आपको बताया हुआ है कि जो हमारे पास फर्स्ट के सेल होता है, देखिए यहाँ पे KLMN ऐसे करके इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ता जाएगा। तो के वाले में हम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, L वाले में 8 रख सकते हैं, M वाले में 18 रख सकते हैं, ऐसे हम बढ़ते जाते हैं। ये फॉर्मूले पे निकलता है, N स्क्वायर होता है, 2N स्क्वायर, वेयर N इज द नंबर ऑफ पीरियड्स। अगर ये दूसरे नंबर पीरियड का है, तो इसमें N की जगह पे 2 रखेंगे, 1 नंबर पीरियड का है तो 1 रखेंगे। तो ये हीलियम जो है एक नंबर पीरियड, एक नंबर आवर्त का है, तो यहाँ पे 1 रखते हैं, तो 1 का स्क्वायर 1 इंटू 2 2, तो यहाँ पे क्या आता है, ये के सेल में ही ये रह जाता है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस है अपने पास सेंटर में, है ना, जहाँ पे क्रॉस कर रहा है, और उसके बिल्कुल बाहर देखेंगे फर्स्ट वाले में, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जो है मौजूद है। तो ये बता रहा है कि ये जो है पूरा कंप्लीट है, उसमें अब फर्स्ट पीरियड में या फर्स्ट सेल में, के सेल में और अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रखा जा सकता है, ठीक है। अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, तो मैंने लिख के भी दिखाया था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका 1s2 होता है, ओके। नेक्स्ट अब बात कर ले अगर कि इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 2 नंबर पे है, तो इसका इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, इसमें 2 होंगे, क्योंकि हमें पता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एटम्स आर ऑलवेज सेम। तो देखिए, जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही क्या होंगे, इसमें प्रोटॉन होंगे, बट न्यूट्रॉन्स जो है वो वेरी कर सकते हैं। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन्स की संख्या कितनी है, 2। तो हमें पता है कि जो मास होता है कितना होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ऐड करके, तो इन दोनों को जब ऐड कर देंगे तो कितना आएगा, 4। तो आपने ऊपर देखा था 4.2 समथिंग था, यहाँ पे दिख भी रहा है 4.2026 ग्राम पर मोल, बट हम यहाँ पे 4 ही लेते हैं। जब कैलकुलेशन में कुछ पुट करते हैं तो क्या लेते हैं, 4 लेते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं इसके बारे में कुछ नोट है, तो नोट में आप देखेंगे इसमें ये जो बॉक्सेस वाला है कि हीलियम इज अ केमिकल एलिमेंट सिंबल एंड एटॉमिक नंबर 2। तो इसका जो सिंबल होता है HE होता है, और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, परमाणु संख्या 2। इज अ कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस, नॉन टॉक्सिक। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या क्या कह रहा है, कि इसमें पहले बोल रहा है कि कलरलेस मतलब कोई कलर नहीं होता है, ऑर्डरलेस कोई इसमें सुगंध नहीं होता, टेस्टलेस कोई इसका स्वाद नहीं होता, नॉन टॉक्सिक जहरीला नहीं होता, है ना, इनर्ट गैस भी कहते हैं इसको, इनर्ट गैस। तो ये कुछ नोट्स में आपको बताया गया। एटॉमिक नंबर की बात करें, तो एटॉमिक नंबर इसका 2 होता है, जैसे कि हमें पहले ही पता है। वेट इसका
एटॉमिक वेट ये कह सकते हैं परमाणु द्रव्यमान या भार, वो 4 समथिंग है बट हम 4 याद रखेंगे। डेंसिटी इसकी 0.3 × 017846 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मेल्टिंग पॉइंट मतलब कितने पे पिघल जाएगा ये, है ना, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट अगर केल्विन की बात करें तो लगभग 1 के बराबर है। अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें कितने पे ये बॉइल्ड हो जाएगा मतलब वेपराइज होना स्टार्ट हो जाएगा, तो 4.25 केल्विन पे। फेजेस किस अवस्था में होता है, तो गैसियस में होता है। वैलेंस कितना होता है, तो इसमें 0 होता है, क्यों, क्योंकि ये ना ही इसके पास अधिक इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में ना ही कम है, तो इसका वैलेंस क्या होगा, 0। पीरियड्स किस में आता है, तो 1 में। ग्रुप नंबर कौन सा आता है, तो 8A इट मींस हो गया 18A में आता है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें ब्लॉक, तो ब्लॉक कौन सा है, देखिए यहाँ पे ब्लॉक तो है गलत लिख दिया है, एस ब्लॉक लिख दिया है, एस ब्लॉक में नहीं आता है, ये आता है किसमें, पी ब्लॉक में। किसमें आता है, पी, आपको एस ब्लॉक में सिर्फ ग्रुप नंबर 1 और 2 आता है, और बाकी जितने भी हैं वो सब 13 से लेकर के 18 तक, उसको हम पी ब्लॉक कहते हैं, ठीक है। तो ये पी ब्लॉक में आता है, यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, ठीक। फिर इमिशन स्पेक्ट्रम, वो चीज़ें, हाँ, इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो 1s2 होता है, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट इसका कुछ नहीं होता है, ना ही कोई आयन चार्ज होता है। एटॉमिक रेडियस की बात करें, तो एटॉमिक रेडियस एंड कोवैलेंट रेडियस और वैन डेर वाल्स रेडियस, ये तीनों यहाँ पे गिवन है, ठीक है, पिकोमीटर में होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जो है ये कंप्लीट किया। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसको कहते हैं, विद्युत ऋणात्मकता इसकी नहीं होती है कुछ, ओके। तो नेक्स्ट जो है हम लिथियम का वीडियो लेकर के आएंगे, लिथियम के बारे में बहुत सारी ढेर सारी जानकारियाँ लेकर के आएंगे, कैसे दिखाई देता है, क्या होता है। तब तक के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहिए, बने रहिए और ऐसे ही नॉलेज जो है लेते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मीट यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।